साथियों, आज मैंने हिंदी में बोलने की सोची या कहें कि ठान ली, और मैंने सोचा कि आज से, आज की तारीख से कुछ जुड़ा हुआ कुछ मैं आपसे साझा करता हूं, यानी 6 जून से संबंधित। तो मुझे कुछ पढ़ने पे समझ आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना है जो मैं आपसे साझा कर सकता हूं, और वो 6 जून से जुड़ी हुई है। शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 यानी 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में मराठा स्वराज के राजा का ताज पहनाया गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। तो मैंने सोचा कि आज चलिए, तो आज हम शिवाजी महाराज के बारे में ही बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। शिवाजी महाराज का असली नाम शिवाजी भोसले है, क्या आप जानते हैं, थे या जानते हैं? वह एक भारतीय योद्धा, राजा और भोसले मराठा समुदाय के सदस्य थे। शिवाजी महाराज का जन्म माना जाता है 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नार शहर के पास हुआ। शिवनेरी करके पहाड़ी है वहाँ पे, वहाँ पे जो किला था उसमें ये माना जाता है कि उनका जन्म हुआ। शिवाजी के नाम पर, शिवाजी को जो ये नाम दिया गया वो वहाँ के एक स्थानीय देवता हैं, देवी शिवाय, तो उनके नाम पर उनका, शिवाजी का नाम रखा गया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, और शिवाजी लेकिन अपनी माता जीजाभाई को काफ़ी समर्पित थे। उनके साथ उनकी बहुत गहरी एक लगाव था और रिलेशनशिप था। अपनी माता की तरह वे भी बहुत धार्मिक थे। हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के अध्ययन ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। वे धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि रखते थे और नियमित रूप से हिंदू संतों की संगत में रहना पसंद करते थे, और उसकी मांग किया करते थे कि मैं हिंदू संतों की संगत में रहूं। उस समय की मांग के अनुसार तथा सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए महाराजा शिवाजी महाराज को 8 विवाह करने पड़े ताकि सारे मराठा सरदार एक छत्र के नीचे आ सकें। कुछ ऐतिहासिक तिथियों में 1646 में यानी 1646 में शिवाजी महाराज ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद याद आता है 1656 में शिवाजी महाराज ने चंद्र राव मोरे से जावली जीता। उन्होंने 1656 में, फिर याद आता है कि 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया। 1659 में 10 नवंबर को, ये ऐतिहासिक कुछ फिगर्स हैं। हाँ, और एक दो और भी याद हैं मुझे। 1659 में ही शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया, और 6 से 10 जनवरी 1664 और फिर दूसरी बार 1670 यानी दो बार शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और बहुत बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। ऐसी उनकी बहादुरी की कई उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं। शिवाजी महाराज ने बीजापुर की घटती आदिलशाही सल्तनत से एक साम्राज्य को बाहर निकाला।
जिसने मराठा साम्राज्य का स्रोत बनाया, वहां से उसका ओरिजिन बना, कमेंसमेंट हुई मराठा साम्राज्य की। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे, उन्होंने वापस अधिकार उस पर जमा लिया था। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक करना चाहा 1674 में, परंतु उस समय मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्य अभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी, कोई भी ब्राह्मण अगर आगे आएगा उनका राज्य अभिषेक करने के लिए। जब यह बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसी धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में ले लिया और उन्होंने कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। ये उन्होंने चुनौती ले ली फिर, और 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने क्षेत्र के छत्रपति यानी सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। और ये उसके बावजूद के सारे मुगल सरदारों ने कोशिश करी कि उनका राज्य अभिषेक ना हो पाए और ब्राह्मणों पर रोक भी लगाई, पर फिर भी उन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया। सन 1677 से 78 तक यानी 1677 से 78 तक में शिवाजी को का ध्यान कर्नाटका की ओर गया, बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंग भद्रा नदी के पश्चिम में बैलगांव तथा धारवाड़ के क्षेत्र, मैसूर, बेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 में महाराज का देहांत हो गया। समय समय पर बहुत समझदारी और चतुराई से शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा की सल्तनत और बीजापुर की सल्तनत के साथ साथ यूरोपीय आक्रमणकारी शक्तियों के साथ गठजोड़ भी किया और शत्रुता भी की। जैसे जैसे परिस्थितियों की ज़रूरत बनती चली गई, वो उस तरह से अपने आप को उन्होंने ढाला। तो बहुत ही एक दिमाग वाले राजा थे वो। शिवाजी के सैन्य बलों ने किले पर कब्जा करके और किले बनाकर और मराठा नौसेना बनाकर मराठा क्षेत्र का विस्तार किया। शिवाजी ने कलात्मक प्रशासनिक संगठनों के साथ एक सक्षम और जिम्मेदार नागरिक शासन की भी स्थापना की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और अदालतों के सम्मेलनों को पुनर्जीवित किया जो खत्म हो चुकी थी, और अदालत और प्रशासन में फारसी भाषा की बजाय, ये सुनिएगा, फारसी भाषा की बजाय जो बहुत उस वक्त प्रेवलेंट थी, मराठी और संस्कृत का उपयोग का बढ़ावा दिया उन्होंने अदालतों वगैरह में और प्रशासनिक व्यवस्था में। उन्होंने इन दो भाषाओं को फिर से इंट्रोड्यूस किया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत हिंदी बोल ली मैंने। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अगली बार अंग्रेज़ी में, फिर पर हिंदी की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।